राग रसायन नृत्य गति नटबाजी वेदांग तुरी चढ़न व्याकरण पठन जानी ज्योतिष अंक धनुष बाण रथ हाँकबो चित चोरी ब्रह्म ज्ञान जल तरण धीरज धरण चौदह विद्या निदान। नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम रसायन विज्ञान में कक्षा 9 का प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका हमने प्रथम भाग पूर्व में कर लिया है, आज हम उसका सेकंड पोर्शन करते हैं, जिसमें हमने देखा कि पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। आज हम ये समझेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, क्या अपनी अवस्था बदल सकता है। तो आज का हमारा विषय रहेगा इसमें कि क्या पदार्थ अवस्था बदल सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, इनमें इंटरचेंज क्या पदार्थ कर सकता है। तो ये भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन करने में दो महत्वपूर्ण कारक, जिनकी बदौलत जो है पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। पहला जो कारक है वो है तापमान। तापमान परिवर्तन करके हम जो है पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं तापमान परिवर्तन से। और दूसरा जो कारक है वो होता है दाब। दाब के कारण भी जो है पदार्थ की अवस्था परिवर्तित की जा सकती है। सबसे अच्छा उदाहरण है पानी। पानी जो है वो तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है प्रकृति में, ठोस, द्रव और गैस में। ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में जल के रूप में, और गैस अवस्था में भाप के रूप में जो है पानी पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि तापमान में परिवर्तन करके हम किस प्रकार से अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहला बिंदु हम लेते हैं तापमान परिवर्तन के द्वारा अवस्था परिवर्तन करना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, एक बीकर में छोटा सा बर्फ का टुकड़ा लें और उसे गर्म करें। अगर ये छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, इसको अगर हम गर्म करें तो हम क्या देखते हैं कि ये टुकड़ा धीरे धीरे जो है पानी में परिवर्तित होता है। अगर थर्मामीटर से हम इसका टेम्परेचर नोट करें तो हम देखेंगे कि जब तक ये बर्फ का टुकड़ा पानी में पूरी तरह से नहीं बदल जाता है, तब तक इसके टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसका टेम्परेचर जो है वो स्थिर रहता है। और जब ये पूरा का पूरा बर्फ पानी में बदल जाता है, तब तक वो तापमान स्थिर रहता है। तो ये जो ऊष्मा इस बर्फ को मिली है, ये ऊष्मा इसके लिए जो है परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन करने में सहायक होती है। ठोस को गर्म करने से ठोसों के कणों के मध्य जो गतिज ऊर्जा होती है, कंपन गति करते हैं, इसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और ये गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है गर्म करने से, और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उनके मध्य का आकर्षण बल कमजोर हो जाता है और वो कण एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जब कणों के बीच का गैप बढ़ जाता है तो एक स्थिति में जाकर के वो जो है अवस्था में परिवर्तन कर लेते हैं और ठोस जो है वो द्रव अवस्था धारण कर लेते हैं। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, उसे उस ठोस के लिए गलनांक कहा जाता है। तो गलनांक क्या होता है कि गलनांक वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है ये उसके लिए गलनांक कहलाता है। एक निश्चित तापमान के ऊपर ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है।
जैसे बर्फ है, बर्फ के लिए ये गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, ये बर्फ के लिए गलनांक बिंदु होता है। इस तापमान पर बर्फ ठोस में, ठोस जो है वो द्रव में बदल जाता है। तो देखिए कि बर्फ का गलनांक 273.15 होता है और गलने की जो ये प्रक्रिया है इसको हम संगलन कहते हैं। तो संगलन को भी नोट कीजिए आप। संगलन क्या कहलाता है कि ठोस के द्रव में पिघलने की क्रिया, ठोस के द्रव में पिघलने की क्रिया जो है वो संगलन कहलाती है। 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस ठोस के लिए संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो इसे भी जो है आप नोट करें कि 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को, 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को उसके गलनांक पर, उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस प्रकार ठोस को गर्म करने पर द्रव अवस्था धारण करता है ठीक उसी प्रकार द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित तापमान पर जाकर द्रव जो है वो गैस अवस्था धारण कर लेता है। और जिस तापमान पर द्रव उबलता है, जैसे पानी को गर्म करें तो पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाकर के उबलने लग जाता है और उसके बाद में उसका तापमान और अधिक नहीं बढ़ता है पानी की अवस्था में। तो वो जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने के पश्चात पानी जो है वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जिस तापमान पर पानी उबल रहा है वो उस पानी के लिए क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक की परिभाषा हम यह दे सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित तापमान जिस पर द्रव उबलने लग जाता है, द्रव उबलने लग जाता है उस पदार्थ के लिए क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। और पानी के लिए क्वथनांक कितना होता है? पानी के लिए जो ये क्वथनांक है ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में अगर इसको हम बताएं तो ये होता है 273.15 केल्विन, ये पानी का क्वथनांक है। एक कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और ठंडा करने पर पुनः गैस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये गुण जो है वो पदार्थ का ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण कहलाता है। ठोस से द्रव अवस्था में नहीं बदल करके वो सीधे ही गैस अवस्था धारण कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कपूर है,
अमोनियम क्लोराइड है, नोसादर है। अमोनियम क्लोराइड को अगर हम एक पात्र में लेकर के उसको अगर गर्म करें तो हम देखते हैं कि वह ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था धारण कर लेता है। तो ये जो गुण है अमोनियम क्लोराइड का, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जब उसको पुनः ठंडा किया जाएगा तो वो गैस अवस्था से वापस द्रव अवस्था में नहीं जाकर के सीधा ही ठोस अवस्था धारण कर लेता है, इसे कहते हैं निक्षेपण। तो ये दो बिंदु आप समझे, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन होता है ठोस अवस्था से सीधे ही गैस में बदलना, सीधे ही गैस में परिवर्तन गर्म करने पर। और दूसरा होता है निक्षेपण। निक्षेपण इसका विपरीत होता है, जिसमें गैस अवस्था से सीधे ही ठोस में परिवर्तन होना। गर्म करने पर ठोस अवस्था से गैस अवस्था धारण कर लेना, ये जो पदार्थ का गुण है वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ठंडे करने पर गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाना, ये पदार्थ का जो गुण है वो निक्षेपण कहलाता है। और इसके उदाहरण ले सकते हैं कपूर, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, नोसादर, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दाब में परिवर्तन करके भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। दाब बढ़ाने से क्या होता है कि जैसे पदार्थ में जो गतिज ऊर्जा होती है, यानी पदार्थ के कण जो गति करते हैं उसकी गति को कम किया जा सकता है। गैस के कण जो दूर दूर होते हैं, अगर दाब लगा करके गैस के कणों की गतिज ऊर्जा को कम कर दिया जाए तो कण जो है वो पास पास में आ जाएंगे, अंतराणविक जो स्थान है वो कम हो जाएगा और एक स्थिति में आकर के गैस द्रव अवस्था धारण कर लेती है। ठीक इसी प्रकार द्रव को अगर और अधिक दाब उसके ऊपर लगाया जाए तो द्रव जो है वो एक स्थिति में आकर के ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जैसे हम एक सिलेंडर में गैस लेते हैं, यहां तक इसमें गैस भरी हुई है, गैस के कण आप जानते हैं कि दूर दूर होते हैं, अगर इसके ऊपर दाब लगाया जाए गैस पे तो दूसरी अवस्था इस तरह की धारण कर लेती है कि दाब लगाने से ये जो कण है वो पास पास में आ जाते हैं और पास पास में आने की वजह से ये गैस से, यहाँ ये गैस अवस्था में थी, जब कण इसके पास पास में आ गए तो ये स्थिति हो गई इसकी द्रव अवस्था में, इसने परिवर्तित हो गई, इसे हम द्रव कहेंगे। और यदि इसके ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा तो ये जो कण है वो एकदम पास पास में आ जाएंगे, इनका अंतराणविक स्थान बिल्कुल कम हो जाएगा और इनका जो आकर्षण बल है कणों के मध्य वो बढ़ जाएगा और ये ठोस अवस्था धारण कर लेती है। तो दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब का प्रभाव ये पड़ता है कि जो गैस अवस्था है उससे जो है वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा और द्रव पर अगर बहुत ज्यादा दाब लगाया जाएगा तो द्रव जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। हम देखते हैं हमारे घरों में जो LPG काम में लेते हैं, एक CNG जो वाहनों में काम में ली जाती है गैस, ये दोनों ही गैस है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो हमारे सिलेंडर में भरी जाती है। और उसको चूंकि इतने अधिक प्रेशर पर भरा जाता है कि वो जो है गैस में नहीं रह करके द्रव अवस्था में रहती है। और दूसरी एक ये CNG गैस है, अगर इसको भी सिलेंडर में भरा जाता है तो ये द्रव अवस्था में रहती है, पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भारी प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, इस कंप्रेसर की वजह से जो है ये गैस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। आप इन दोनों की फुल फॉर्म भी लिख लें, LPG पूछी जाती है अक्सर,
लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये वाहनों में काम में आती है और ये जो है हमारे घरों में रसोई में काम में लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द्रव अवस्था में जो सतह के कण होते हैं द्रव के, उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है उसके कारण वो जो है, जब गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ जाती है तो वो कण जो है अपने जो दूसरे कणों के साथ में जो आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होने की वजह से वो उनका वाष्पीकरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम जो है वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं कि ध्रुवों में जो सतह के कण हैं उनका कुछ अंश जो है वो वाष्प में बदल जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े जब सुखाते हैं तो कपड़े जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान उनका नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है वो कपड़ों में से पानी जो है वो वाष्प बन करके उठ जाता है, तो ये वाष्पीकरण के कारण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के कणों का गैस या वाष्प में परिवर्तन होना, परिवर्तन होना, ये वाष्पीकरण कहलाता है। और ये जो वाष्पीकरण है ये कुछ कारकों के ऊपर निर्भर करता है कि वाष्पीकरण की दर कम या ज्यादा हो सकती है। वो कौन कौन से कारक है जिनके ऊपर वाष्पीकरण प्रभावित जिनसे होता है, तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कुछ कारक जो इसको प्रभावित करते हैं, तो हम कारक में नोट कर सकते हैं। पहला जो कारक है वो है सतह का क्षेत्रफल। अगर सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। सतह का क्षेत्रफल, जैसे हम उदाहरण देखें कि अगर कपड़े को हम फैला दें तो शायद कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। इसकी यही वजह है कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और इस वजह से जो है उसमें वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। दूसरा जो कारक प्रभावित करता है वो है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, अगर तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। यही कारण है कि धूप में सुखाए गए कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। तीसरा जो कारक है वो है आर्द्रता। आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता का मतलब होता है कि वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा, उसे ही हम आर्द्रता कहते हैं। और अगर वायु में जल वाष्प अधिक होगा तो वाष्पीकरण की जो दर है वो कम होगी। वायु में जल वाष्प की मात्रा कम होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा। तो ये आर्द्रता भी जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। और अंतिम जो कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं वह वायु की गति। वायु की गति यह भी वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। अगर वायु की गति ज्यादा है, अधिक है, तो वाष्पीकरण अधिक होगा। वायु की गति कम होगी तो वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाएगी। और यही कारण है कि जब हवा तेज चलती है तो हमारे गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब तक हमने देखा कि पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। अब इस पहले चैप्टर में एक चीज और रह गई है अंतिम रूप से कि जो तापमान जो है उसको मापने के कौन कौन से पैमाने हैं। क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं कि डिग्री सेल्सियस में दिए गए तापमान को केल्विन में परिवर्तन कीजिए,
तो वहाँ पे ये समस्या आती है। तो हम जो है तापमान को विस्तृत रूप से समझ लेते हैं कि तापमान को मापने के कौन कौन से पैमाने हैं। तापमान को मापने के पैमाने चार प्रकार के पैमाने प्रचलन में हैं। नंबर एक जिसको सेल्सियस पैमाना कहा जाता है, सेल्सियस। दूसरा है फारेनहाइट। तीसरा जो पैमाना है वो है केल्विन। और चौथा जो पैमाना है उसको कहते हैं रोमर पैमाना। ये चार पैमाने प्रचलन में हैं और इनको अलग अलग हम देखते हैं। इन चारों ही पैमानों में जो आधार लिया गया है वो पानी को लिया गया है। पानी का एक हिमांक बिंदु जिस पर पानी जो है वो जम जाता है, और एक पानी का वाष्प बिंदु जिस पर पानी जो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो इन चारों में ये हिमांक और भाप बिंदु दोनों के मान क्या क्या है उस आधार पर जो है ये पैमाना बनाया गया है। तो यहाँ हम जो है एक टेबल बना करके इसको समझ लेते हैं। यहाँ मैं पानी का हिमांक बिंदु लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ उसका भाप बिंदु। देखिए सेल्सियस पैमाने में पानी का जो हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री सेल्सियस, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस में व्यक्त किया जाता है, ये पानी का हिमांक बिंदु है। और भाप बिंदु जो है पानी का वो है 100 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट पैमाने में पानी का जो हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फारेनहाइट, और पानी का भाप बिंदु होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। इसी प्रकार केल्विन पैमाने में पानी का हिमांक बिंदु जो है वो होता है 273.15, लेकिन गणना की सुविधा के लिए हम जो इसको 273 केल्विन लिखते हैं। और जो भाप बिंदु है वो होता है 373 केल्विन। और ठीक इसी प्रकार रोमर पद्धति में पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमर और भाप बिंदु जो है वो 80 डिग्री रोमर होता है। यहाँ देख रहे हैं आप, सेल्सियस में डिग्री लगाया जाता है, फारेनहाइट में डिग्री लगाया जाता है और रोमर पद्धति में भी डिग्री लगाया जाता है, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये केल्विन में डिग्री नहीं लगाया जाता है, इन तीनों में डिग्री व्यक्त किया जाता है। ये पढ़ा लिखा नहीं होगा, इसके पास कोई डिग्री नहीं होगी। तो देखिए इनका हम अंतराल निकालते हैं। अंतराल इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है 100 माइनस 0 यानी 100। यहां 212 में से 32 कम कर दें तो इनका अंतराल आता है 180। 373 में से 273 कम करें तो इनका अंतराल आता है 100। और 80 में से 0 माइनस करने पर अंतराल आ जाएगा 80। ये इनका अंतराल हो गया। अब इनको आपस में चेंज करने का एक फॉर्मूला है, वो हम अभी यहाँ उसको स्थापित करके समझने का प्रयास करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या फॉर्मूला है जिसके द्वारा सेल्सियस को फारेनहाइट में बदला जा सकता है, फारेनहाइट को केल्विन में बदला जा सकता है, केल्विन को रोमर पद्धति में बदला जा सकता है। तो देखिए जो हिमांक बिंदु है उस संख्या को हम माइनस कर दें और जितना गैप था उनके मध्य, हिमांक और भाप बिंदु के मध्य जो गैप था उसका उसमें भाग लगा दें, तो एक फॉर्मूला तैयार होता है। जैसे डिग्री सेल्सियस में से 0 इसका हिमांक बिंदु है और जो अंतराल है हिमांक और भाप बिंदु में वो है 100। इसी प्रकार फारेनहाइट में हिमांक बिंदु था 32 और इनका जो गैप था वो 180। केल्विन में हिमांक बिंदु 273 और अंतराल 100। और इसी प्रकार रोमर पद्धति में हिमांक बिंदु 0 और इनका जो अंतराल है वो 100। तो ये एक हमारा इन चारों के मध्य एक संबंध बन गया। इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। देखिए C माइनस जीरो का मतलब C/100, F-32/180, K
के माइनस 273 अपॉन 100 और इसी प्रकार आर माइनस 0 यानी ये भी आर अपॉन 80। ये चारों जो हर है इनमें 10 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो हम इसमें 10 का भाग लगा देते हैं। ये लो हमने 10 का भाग लगा दिया चारों में और इसको सरल कर लेते हैं। अब इन चारों में 2 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है तो 2 से भी इनको डिवाइड कर देते हैं। ये 5 दफा हो गया, ये 9 बार हो गया, ये 5 बार हो गया और ये 4 बार हो गया। तो एक सरलतम सूत्र हमारे पास आ गया सी अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल टू आर माइनस आर अपॉन 4। ये एक फॉर्मूला बन गया। इसके द्वारा हम किसी भी मान को किसी दूसरे मान में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ हम एक तो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि पानी का जो भाप बिंदु है, पानी का जो क्वथनांक है, वो सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन केल्विन में मान लो हमें पता नहीं है तो किस तरह से दिखा ले। तो इसको हम इस तरह से सरल कर सकते हैं कि सी अपॉन 5 और इसके साथ में हम तुलना कर रहे हैं केल्विन पद्धति की, तो के माइनस 273 अपॉन 5। सेल्सियस में 100 डिग्री है तो 100 डिग्री यहाँ लिख देता हूँ अपॉन 5 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5। इसको जब हम सरल करेंगे तो देखो यहाँ 5 और यहाँ 5 ये दोनों कैंसिल हो गए और ये मान आ गया हमारे पास 100 बराबर के माइनस 273। और जब 273 का पक्षांतर करके दूसरी तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 100, ये माइनस का था, यहाँ हो जाएगा प्लस का 273 इक्वल टू के। 100 और 273 को जोड़ने से 373 इक्वल टू के। तो ये केल्विन में जो पानी का क्वथनांक है उसका मान हो गया 373। इसका भी स्क्रीनशॉट। तापमान को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और क्लास 9th के लिए भी जो महत्वपूर्ण है कि एक ऐसा कौन सा तापमान है जो डिग्री सेल्सियस में और फॉरेनहाइट में इक्वल हो, बराबर हो। मान लिया हमें पता नहीं है तो हम इस सूत्र के माध्यम से उस तापमान को निकाल सकते हैं। देखिए सेल्सियस और फॉरेनहाइट की हम तुलना करें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एफ माइनस 32 अपॉन 9। ये हमारा फॉर्मूला था और हमें पता नहीं है कि वो कौन सा तापमान है जो सेल्सियस और फॉरेनहाइट में समान हो। तो हम मान लेते हैं कि माना वह तापमान है, वह तापमान अक्ष है, तो हम अक्ष रख देते हैं यहाँ सी के स्थान पे। तो अक्ष अपॉन 5 इक्वल टू और फॉरेनहाइट में भी वह टेम्परेचर अक्ष है, अक्ष माइनस 32 अपॉन 9। इसको सरल करें तो हम क्या करें, वज्र गुणा कर दें। वज्र गुणा करने पर अक्ष को 9 से गुणा करें तो 9 अक्ष इक्वल टू 5 से इसको गुणा करें तो 5 इंटू अक्ष माइनस 32। और सरल कर लें, 9 अक्ष इक्वल टू 5 से अक्ष को गुणा किया तो 5 अक्ष माइनस 5 से 32 को गुणा करने पर यह मान आता है 10 एक 5 के 15 160। 5 अक्ष का पक्षांतरण करके लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो 9 अक्ष माइनस 5 अक्ष, यहाँ जो प्लस का था इधर माइनस हो गया, इक्वल टू माइनस 160। 9 अक्ष में से माइनस कर दिया 5 अक्ष को तो ये आ गए 4 अक्ष इक्वल टू माइनस 160 और अक्ष का मान हो गया माइनस 160 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 40। यानी वो तापमान कौन सा है, वो है माइनस 40। माइनस 40 तापमान डिग्री सेल्सियस में
और -40 डिग्री फॉरेनहाइट, ये दोनों तापमान बराबर होते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में पूछा जाता है। आज की अपनी ये क्लास हुई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।